यहाँ से पूरे डैम का व्यू है। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेज शिफ्टर्स इंडिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज संडे राइड पे जा रहे हैं हम लोग दिम्बे डैम, जो कि मैं मेरे TRT ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, द रोड ट्रिपर्स। आज NAP के साथ नहीं जा रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से उनके साथ राइड नहीं हुई है। लास्ट टाइम जो राइड हुई थी वो खंडी वाटरफॉल्स की, तो तब हम गए थे एक साथ राइड पे, तो आज जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो फिर अभी यहाँ पे नितेश और ललित आ रहे, दोनों RE पे, रॉयल इनफील्ड पे है ललित एंड ड्यूक 250 पे नितेश, तो बाहर रोड पे आके रुकने वाले हैं। और यहाँ पे मीटअप जो है अपना यहाँ पे नासिक फाटा के पास है, जो कि अराउंड यहाँ से है 5 किलोमीटर्स, एंड 87 किलोमीटर्स जो है यहाँ से वन साइड दिम्बे डैम। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, अभी नितेश आ गया होगा बाहर रोड पे। एंड IBW चाय एंड पकौड़ा ब्रेकफास्ट राइड का अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए, राइड के साथ काफ़ी अलग थोड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाने के बाद, आप चेक कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब खुशी की बात बता दूँ आपको, कि अपने अभी लास्ट टू लास्ट वीकेंड 4000 सब्सक्राइबर्स थे, तो आज मतलब कल ही 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए भी निकलते हैं, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी निकलते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और नितेश अभी उसका मैसेज आया था जस्ट, वो दापुड़ी में जाके रुका है चौक में, तो बोले वहाँ आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ आता हूँ। तो अभी निकलते हैं, और पिछली बार थोड़ा एंगल GoPro का ना ठीक नहीं था, काफ़ी नीचे को हो गया था जब भी मैं IBW की राइड पे गया था, तो होप अभी देखते हैं अभी सही से हो। 6 ऑलरेडी बज गए हैं, क्योंकि 6 बजे का मीटअप टाइम था, तो हमें मतलब मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे पहुँचने के लिए, तो हम लोग पहुँच जाएंगे टाइम पर। चलते हैं अभी दापोड़ी, और इस बार कैसे लोनावला और महाबलेश्वर वाला रूट छोड़ के आज कुछ अलग रूट पे जाने वाले हैं, जो कि हम चाकन और राजगुरु नगर होके निकलेंगे। सो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं नितेश से और ललित से। और भाई गुड मॉर्निंग, ललित भाई और नितेश गुड मॉर्निंग। चल आज मैं पहले पहुंच गया, चल मिलते हैं, ओके बाय बाय। लोनावला की हमेशा यहाँ से जाते हैं लोनावला के लिए, तो अभी हम जाना है यहाँ से भोसरी चाकन की तरफ, तो ये ब्रिज ऐसे मुड़ जाएगा राइट की तरफ, और वहीं पे अपना मीटअप पॉइंट है। और भाई क्या हालचाल, मैं बोला यहाँ तो भरा होगा पूरा। हाँ भाई, और बनकिम भाई गुड मॉर्निंग, आशुतोष सर गुड मॉर्निंग, वेलकम, किधर है बात, वेलकम एडमिन साहब, थैंक यू सर। भाई बड़े लोग, भाई हमारे ग्रुप का भी राइड है आज। बस अपना प्यार है इसलिए मैं आया इधर आज राइड पे। मैं तो नहीं आने वाले थे क्या? प्यार तो होना चाहिए ना भाई, जहाँ प्यार रहेगा उधर ही रहेंगे ना अपन। सो चलिए गाइस, अभी होते हैं गियर अप। यहाँ पे टोटल अभी अपनी है 14 बाइक्स, लिस्ट में अराउंड कुछ 15 थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो ऑलमोस्ट सब आ ही गए हैं। तो यहाँ से 80 to 85 किलोमीटर से हमें इस तरफ जाना है चाकन की तरफ। अभी गियर अप होते हैं और निकलते हैं। चलते हैं एक बार, बनकिम जो है लीड कर रहा है ADV 390, एंड पीछे सैफ और नितेश है, मैं थोड़ा एक बार आगे चलता हूँ। सो ये रहा अपना आशुतोष, सो ये रहा बनकिम, सबसे आगे लीड कर रहा है। सो टोटल जैसा मैंने बताया 14 बाइक्स है, ठीक है, मतलब काम ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो एटलीस्ट ध्यान देने के लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जाता है स्पाइन रोड, लेफ्ट लेंगे तो। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है पुणे में, तो अच्छी बात है, होप आज भी ना हो,
तो मज़ा आ जाएगा, मतलब राइड के लिए अगर कॉर्नरिंग सेक्शन होगा कहीं पे तो और मज़ा आएगा। लेट्स सी आगे जाके रोड्स कैसे हैं, क्योंकि हम में से मतलब जो राइड पे बंदे आए हैं इनमें से मतलब एक ही बंदा गया है डैम तक, बाकी 13 जन हम जो हैं कोई नहीं गया है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, कोई नई जगह देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। सो अभी देखिए चल ही रहे हैं 60, 65, 70, क्योंकि आप देख ही रहे हो सामने काफ़ी ट्रक्स हैं, तो स्लो स्लो जा रहे हैं। तो रास्ता देखते हैं आगे जाके कहाँ खाली मिलता है, थोड़ा 90-100 पे तो जाएंगे तो थोड़ा जो हवा आती है ना ज़रा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह का टाइम है और फ्रेश एयर मिलेगा अभी के टाइम पे। सो हम लोग अभी रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए, अभी बस मैं मेरे घर से 31 किलोमीटर ही आया हूँ, हो सकता है आगे ना मिलता हो तो एक बार पहले कर लेते हैं होटल नीलेश, तो यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं बाइक लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ साइड में लगा देता हूँ, यहाँ पे हो गया लाइन अब अपना, यहाँ हो गया छोटा पे चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले फिर निकलेंगे यहाँ से। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 8:15, तो चलिए निकलते हैं फटाफट। सो अभी यहाँ पे रोड थोड़ा अच्छा मिला है, हम थोड़े ही दूर आए हैं तो रोड देखिए अभी यहाँ पे मस्त खाली है। तो ये रोड देखिए आप, पहाड़ियाँ देखिए छोटी छोटी, अब आएगा मज़ा जाने का, क्योंकि अभी जो रोड मिला है एकदम मस्त, यहाँ पे अभी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, थोड़ा सा घाट जैसा लग रहा है, बढ़िया रोड है और पहली बार आया उस साइड में राइड के लिए। तो ये देखिए नज़ारा, खेड़ घाट लेफ्ट लेके खेड़ घाट है उस साइड में, नए नए नाम, नई नई जगह पे आएंगे तो नए नए नाम, मतलब हमने जगह भी सुने भी नहीं है, और दिम्बे डैम भी मैंने कभी नहीं सुना था, इतने सालों से पुणे में रह रहे हैं। तो फिलहाल जहाँ पे अपने आसपास जो की चीज़ें हैं पहले वो कवर करते हैं, लॉन्ग राइड का स्लोली स्लोली करेंगे। तो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, यहाँ पे देखिए पूरा खुला खुला है, मस्त एकदम हवा चल रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी, और सामने पहाड़ शायद आपको दिख रहे होंगे और पूरा वहाँ पे फॉग ही दिख रहा है, एकदम ब्लैक ब्लैक काले काले पहाड़ दिख रहे हैं। तो चलते हैं आगे जाके, यही नज़ारा होता है या मतलब पास जाने के बाद हो सकता है ऐसा ना दिखे, नॉर्मल दिखे। सो लेट्स सी, मुझे पता नहीं है यहाँ पे शोरूम पे क्यों बुलाया है या रुकने बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि सबका वो लोग फ़ोटो निकालेंगे यहाँ पे, वो भी KTM बाइक्स इन हीरो के शोरूम में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी 26 किलोमीटर आ गए हैं, थोड़ा अच्छा रास्ता खाली मिला था बीच में, और उसके बाद वापस ये मार्केट जैसा आ गया रास्ता, सिंगल रोड है। और बता दूँ भीमा शंकर भी इसी साइड में आता है, बट हम भीमा शंकर से थोड़ा पहले रह जाने वाले हैं, भीमा शंकर का रास्ता ख़राब है, नहीं तो अगर होगा पॉसिबल तो वहाँ भी एक बार राइड करेंगे। ये देखिए पूरा मार्केट एरिया है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जाम है। तो जैसा मैंने बताया था सिंगल रास्ते रहने वाला है, तो सिंगल ही है। चलिए देखते हैं, हम वैसे भी डैम के मतलब बैक वाटर्स हम लोग जाने वाले हैं, तो ये देखिए ऐसा हम लोग साइंस देते हैं, अगर पॉट होल है या तो स्पीड ब्रेकर है, स्लो करना है तो ऐसे हाथ करते हैं, तो ग्रुप में वो जो साइन है पीछे लास्ट तक एंड तक पास होते रहता है। दिम्बे दिख गया भाई, दिम्बे यहाँ से है 22 किलोमीटर्स, ठीक है चलो आधा पौना घंटा लग जाएगा मैक्स जाने के लिए, अगर ऐसा रोड होगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे।
सो ये छोटा सा पैच है जो हमें ख़राब मिला है, यहाँ से लेके वहाँ तक ही है, आगे रास्ता अच्छा है। अच्छी बात है, रास्ते अच्छे होंगे तो फिर जाने के लिए भी मज़ा आता है। अभी बोर्ड देखा वहाँ पे दिन में, यहाँ से अभी रह गए 10 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर कवर कर लिया 10 मिनट में, पता ही नहीं चला। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, धूप नहीं है और मस्त चल रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है राइड पे। अगर धूप आ जाएगी तो जाचड़े में थोड़ी लगने वाली है समझो। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, भीमा शंकर भी यहीं पे है, वो बता रहा था कुछ 42 किलोमीटर्स, और हम मतलब 30 से 35 किलोमीटर हम लोग समझो कि पीछे रह जाएंगे। वाह क्या रोड्स है यार, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। क्या नज़ारा है कसम से यहाँ का, देखिए डैम का पानी वहाँ ऊपर से आता है नीचे, आपको दिखेगा यहाँ पे गेट्स दिखेगा, दरवाजे 1 2 3 4 5 है, तो अपने को उसके बैक साइड ही जाना है। चलो चलते हैं, दिम्बे धरन यहाँ पे राइट में जाना है 3 किलोमीटर्स, और छोटा रोड होगा यहाँ पे आने के बाद। एक्चुअली हम दोनों थोड़ा फोटो शूट कर रहे थे पीछे, तो सब लोग आगे निकल गए, हमने बोला चलो हम लोग आते हैं, तो गए तो यही होंगे और कोई रास्ता ही नहीं होगा जाने का। सो ये है एंट्रेंस यहाँ पे, प्रवेश द्वार, बजरंग दल। ओ हो हो, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, मतलब आ रहा है ऊपर से नीचे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो हमें लगता है अभी बैक पाउडर इसी साइड में होगा लेफ्ट लेके, तो हम लोग रिवर्स आ गए ये रास्ते पे दूसरे वाले। हमने बोला यहाँ चलते हैं क्योंकि बैक पाउडर जाने का प्लान हुआ था, सो आई होप कि मतलब वो लोग यहीं गए होंगे पक्का, तो चलते हैं देखते हैं एक बार जाके पता लगेगा। उधर उधर साइड में भी एक रास्ता जा रहा था, मैंने सोचा ऐसा ना हो कि वो भी रास्ता जाता हो, सो देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। हमारी बात हो गई थी कॉल पे तो उन्होंने बोला कि इधर ही आना है, बैकवर्ड रास्ता सीधा सीधा जो है ये। ओह यार ये तो कितना ख़राब है, कितना ख़राब रास्ता है ये, तो बोलो सीधे सीधे आते जाओ हम लोग दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये डैम है पूरा नीचे, ये देखिए आपको व्यू दिख रहा होगा, बहुत सही व्यू लग रहा है। बस अभी इतना थोड़ा ये हो रहा है कि बस धूप आ गई, ये रास्ते भी बड़े ख़राब है। ये देखिए पूरा पहाड़, अरे भाई इतने पत्थर डाल के रखे हुए हैं। ये व्यू देखिए आप, क्या सही है, इतना छोटा सा रोड और ये साइड में पूरा पानी है, वाह क्या बात है।
पीछे से आ रहे थे तो रास्ता देख के ऐसा लगा नहीं कि ये रास्ता कहीं जाता होगा नीचे की तरफ। चले चलते हैं, अभी इतना कीचड़ है, आराम से लेता हूँ, बिल्कुल स्लो। हाँ इतना भी नहीं है। तो ये यहाँ से पूरे डैम का व्यू है, बाद में नीचे की तरफ जाएंगे, फिर डैम ऐसे ऊपर दिखता है, उसके जो दरवाजे हैं। डैम के पास हम लोग नीचे वाले रास्ते पे उतरे थे, कॉल पे बात हुई, बट ये नहीं पता चला कि नीचे वाले रास्ते से जाना है या ऊपर वाले, तो हम लोग ऊपर वाले रास्ते सीधा सीधा आ गए। और यहाँ पे एक स्कूल था लास्ट में, रास्ता यहाँ पे होगा एंड, तो हम लोग कम से कम 5-10 किलोमीटर मेरे हिसाब से आ गए हैं। तो अभी चलते हैं रिटर्न वापस, देखते हैं अभी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं यहाँ पे कॉल करने के लिए, थोड़ा आगे कहीं चलते हैं, फिर नेटवर्क कहीं मिलता है तो वहाँ कॉल करते हैं जाके। फाइनली हम लोग आ गए, ये हमारा रास्ता था जहाँ से हम आए थे, यहाँ जाने का हम पीछे निकल के, हमें लगा कि बैक वाटर उस साइड में है, वहाँ पे था लेकिन वो रास्ता नहीं था एक्चुअली, और वो लोग गए थे इस साइड, हमने भी कॉल करके पूछा नहीं, हम निकल गए, मतलब ये हमारी गलती हो गई। और हम ऊपर से एक तो थोड़ा देर रुक गए थे बीच में फ़ोटोशूट के लिए या कोई भी काम के लिए, अगर मतलब मैं आपको सजेशन देता हूँ कि ये अगर ऐसी जगह पर राइड पे जाओ, क्या होता है काफ़ी जगह पे यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं होता, तो फिर आप क्या करोगे, अगर किसी को कॉल भी करना है तो सामने वाला भी आपको कॉल करेगा तो वो है कनेक्ट तो होगा नहीं, तो फिर इससे अच्छे कि आप ग्रुप के साथ रहो, जैसा जो आज मेरे साथ हुआ, हम रास्ता भटक गए, हम दूसरे से चले गए, हमने कॉल भी नहीं किया और निकल गए। तो अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि मतलब ग्रुप के साथ ही रहे, और आप भी कभी ऐसा होता है तो आप ग्रुप के साथ ही रहिए अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो। सो फाइनली पहुंच गए, ओके तो यहाँ से जाना नीचे, हमारा आधा पौना घंटा चला गया। सो ये रहा अपना लाइनअप, गलत रास्ते जाके चलो, बराबर टाइम पे ही आ गए, ज़्यादा लेट नहीं हुआ हमको। गिरेगी तो कुछ यहाँ होगा भी नहीं, यहाँ नज़ारे ले रहे बैठ के हैं। वाह वाह बढ़िया नज़ारा है, ऊपर चढ़ते ही तू अंदर गया ना, लेफ्ट मारा, अरे वो क्या रोड था, वो भी रोड खराब था पर व्यू बहुत अच्छा था वहाँ भी। हाँ लेफ्ट मार के अपन ऐसा आई घुसे ना, लेफ्ट मार के हम एंड तक जाके आए पूरे गांव के। चला हमारा थोड़ा राइड लंबा हो गया, तो चलिए हेलमेट वगैरह निकाल के रखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, काफ़ी गर्म होने लग गया अभी। मज़ा है नितेश, थोड़ा घूम फिर के आ गया अपन, ख़राब रास्ता भी देख लिया काफ़ी, ये तो एक रास्ता एक नंबर है। हाँ एक्सप्लोर कर लिया अपन ने, पीछे का वो अपन कराए। तो यहाँ के हम लोग नज़ारे ले रहे हैं बैठ के, तो वहाँ पे बाकी थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बैठे थे चिल, अभी बस गेरअप होके यहाँ से निकलना है। तो व्यू आपने देख लिया काफ़ी बढ़िया है, और हमारा मतलब लॉन्ग राइड का भी प्लान चल रहा है ग्रुप का, हो सकता है नवंबर में हम लोग दीव दमन का प्लान कर रहे हैं, वैसे फिक्स ही है बट डेट फिक्स नहीं है, अगर जैसे ही होगा मैं इंस्टा पे या तो यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगा, तो किसी अगर पॉसिबल होगा हमारे साथ लॉन्ग राइड पे चलना है। देखिए अराउंड 300-350 के बीच में ही होगा वन साइड, जैसे मोस्टली फ्राइडे को जाते हैं, सैटरडे स्टे रहता है एंड संडे को वापस रिटर्न आते हैं, 3 डेज़ का प्लान है, किसी को पॉसिबल होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अभी यहाँ से गेयर अप होते हैं और फिर निकलते हैं, चलिए। सो चलिए चलते हैं, अभी सब निकल के आगे, और यहाँ का जो रोड है ऊपर जाने के बाद एक नंबर रोड है, काफ़ी बढ़िया वाली राइड हो गई आज, बस ये रास्ते से एक बार ऊपर ले ले बाइक, फिर ऊपर मज़ा ही मज़ा है, बहुत बढ़िया रोड है। अगर धूप नहीं होती तो ज़्यादा मज़ा आता यहाँ पे, अभी इस टाइम पे बैठे हम लोग कम से कम आधा पौना घंटा बैठे यहाँ पर। हो
अगर नहीं दिखते तो पता नहीं क्या होता। एक तो टर्न पे ही थे बराबर, चलो अच्छी बात है दिख गए भाई। सो यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट और ये रहा अपना लाइनअप, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक बढ़िया एकदम ब्रिज पे। और ये व्यू, ये नज़ारा दिखाते हैं आपको एक बार, ये देखिए यहाँ पे, वाह क्या बात है, बहुत सही है। तिम्बे डैम मेरे घर से वन साइड 80-90 किलोमीटर के बीच में पड़ा, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कुछ 12-15 किलोमीटर हो गया था जो हम जाके रिटर्न आए, तो 80-90 के बीच में है पिंपरी चिंचवड़ के एरिया से। अभी धूप इतनी हो गई है कि कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा है, अभी जस्ट एक स्टॉप लिया था पीछे, हम एक मिनट भी नहीं रुके होंगे और इतना गर्म लग रहा है, तो फिर बोला चलो चलते हैं, बोले स्लो स्लो चले, तो पीछे से बाकी लोग आ रहे हैं तो कि हवा चलती रहेगी लगती रहेगी तो फिर कुछ फील नहीं हो रहा है, अगर रुकेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हेलमेट वगैरह पहन के नहीं, पॉसिबल नहीं हो रहा है रुकने के लिए। तो हम 7 बाइकर्स हैं जो यहाँ पे रुक रहे हैं, होटल कार भारी, ये लोग निकल गए भाई, बाय बाय। धूप काफ़ी है, मतलब गर्म हो रहा है तो काफ़ी छाव में लगाता है। सो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक पिया जस्ट, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से, तो यहाँ से घर हमारा अभी बचा है कुछ 35-40 किलोमीटर्स, तो हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बाकी जो 4 बंदे हैं वो लोग लंच कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी थी और मैंने मिसल को अच्छे से सुबह खाया था, और तो देखते हैं आगे कहीं हम रुकेंगे, अभी कोल्ड ड्रिंक मेरा आधा बाकी, आधा पी लिया तो पी के फिर निकलते हैं। और डेस्टिनेशन काफ़ी बढ़िया थी, मतलब नई जगह पे आके अच्छा लगा, और आपको भी प्लेस कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।